दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद बुरी तरीके से भड़क गए विलियमसन, लेकिन कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या बोले विलियमसन वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में सीरीज को कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ पहले T20 मैच को जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज का आगाज शानदार जीत के साथ किया है। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत भारतीय क्रिकेट टीम के टॉस जीतने के साथ हुई थी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को बड़े झटके देने शुरू कर दिए थे, लेकिन विकेट गिरने के सिलसिले को रोककर गप्टिल और चैपमैन ने एक ऐसी मजबूत पार्टनरशिप खड़ी कर दी जिसका सामना करना मुश्किल हो चुका था। दोस्तों, गप्टिल अकेले 70 रन लगा चुके थे और चैपमैन भी 63 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। तभी अश्विन का तूफान आया और चैपमैन के साथ साथ वो एक और विकेट ले गए। गप्टिल को आउट करने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन दीपक चहर ने अपनी रफ्तार के आगे उन्हें भी झुका ही दिया। खैर दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम 164 तक तो पहुंची गई थी, भारत को जीतने के लिए 165 चाहिए थे, लेकिन आज कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज से मैदान पर नजर आए। राहुल तो 15 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन 15 गेंदों में रोहित शर्मा के तो 32 रन हो चुके थे। अपनी आक्रामक पारी से कई चौके और छक्कों की मदद से रोहित शर्मा बड़ी तेजी से 48 तक पहुंच गए। हालांकि उनका विकेट गिरने के बाद सूर्य कुमार यादव ने कमान को संभाला और इस खिलाड़ी ने भी अपनी टीम के लिए 40 गेंदों में 62 रन चढ़कर जीत को आसान बना ही दिया था। हालांकि मुकाबला अंतिम ओवर तक चला गया और फिर पंत ने चौका जड़कर आसानी से टीम को विजयी बना दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम की हार के बाद अब विलियमसन बुरी तरीके से बौखला गए हैं और भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिरकार अपनी टीम की करारी हार पर क्या बोले विलियमसन, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अपनी टीम के मैच हारने के बाद विलियमसन ने अपने बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम से इतनी बुरी तरीके से हारना न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों ने अपना 100% देने का प्रयास जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने मैदान पर खेलने की वजह से इस मुकाबले को जीत चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्वाई मानसिंह स्टेडियम में कई दफा IPL खेल चुके हैं और कई ऐसे इंटरनेशनल मैचेस जिनसे उन्हीं को फायदा मिला है। न्यूजीलैंड की टीम अभी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलकर लौटी है, जाहिर सी बात है कि उन्हें थोड़ा बहुत वक्त तो चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों ने भी बल्लेबाजी में अपना 100% दिया। बस गेंदबाजों की थोड़ी कमी रह गई, वरना तो इस मुकाबले को भी जीत लिया जाता। खैर कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड की टीम दूसरे T20 मैच में तैयार रहेगी और भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर ही वापसी करेगी सीरीज में। दोस्तों, अपनी टीम की हार के बाद विलियमसन भारतीय क्रिकेट टीम पर ही भड़क गए हैं। उल्टा कि वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को समझाएं, उनका गुस्सा तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर ही प्रचंड है और ऊपर से रोहित की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम को, जिन्होंने अभी मैच जीता है, उनको दूसरे T20 मैच में हराने की धमकी भी दे गए विलियमसन। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, अगर विलियमसन टीम का हिस्सा बने तो क्या भारतीय क्रिकेट टीम हार जाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।